ओके, सो आई हैव ए क्वेश्चन। क्या ये पॉसिबल है कि हम हमेशा खुश रहें, या हम जैसा चाहें लाइफ में वैसा ही हो? नमस्ते एंड हेलो इंडिया, क्या हाल है आपके? मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ द आशीष कॉर्नर में, जहाँ आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन फिर भी जब वो एक्चुअली हमारे साथ होती है तो अक्सर हम उस पर ध्यान नहीं देते। एंड दैट टॉपिक इज द गेम ऑफ बैलेंस। और ये हमारी सीरीज थिंक एंड ग्रो का थर्ड एपिसोड होने वाला है। और अगर अभी तक आपने इस सीरीज के पहले दो एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जिसमें हमने बात की थी ट्रस्ट द प्रोसेस, थ्री थिंग्स दैट एवरी पर्सन शुड डू इन देयर 20s, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ आई बटन पे भी आ रहा होगा। तो इसे देखने के बाद उन्हें भी देखिए जाकर, एंड ट्रस्ट मी दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यस, गेम ऑफ बैलेंस। अभी नाम से इतना क्लियर नहीं हुआ होगा कि गेम ऑफ बैलेंस का मतलब क्या है। आई फील इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग कम्स इन पेयर। मतलब ये कि अगर झूठ है तो सच भी है, भगवान है तो शैतान भी है, मोहब्बत है तो नफरत भी है, और इसी तरह अगर खुशी है तो दुख भी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप लाइफ में हमेशा खुश रहें और दुख, प्रॉब्लम, सैडनेस आपसे बहुत दूर रहे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि हम हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, और एटलीस्ट वी कैन चेज दोज थिंग्स दैट कैन रियली गिव अस हैप्पीनेस। ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं या ऐसा सोचते हैं कि आपकी लाइफ में केवल हैप्पी मोमेंट्स ही आए, सैड मोमेंट्स कभी आए ही ना, तो मेरे दोस्त, जब तक आप सांस ले रहे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ गेम ऑफ बैलेंस। और ये लाइफ की सच्चाई भी है कि इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, हियर एवरीथिंग कम्स इन पेयर। अरे भाई साहब, फ्री में तो धनिया भी नहीं आते हैं। धनिया भी फ्री तभी मिलते हैं जब आप सब्जी खरीदते हो। सो अगर आपने एज ए ह्यूमन इस अर्थ पे जन्म लिया है, देन लाइफ विल 100% शो यू अप्स एंड डाउन्स। और सच बताऊं, यही इस लाइफ की खूबसूरती भी है। और यहाँ आता है वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, कैन मनी बाई अस हैप्पीनेस? ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है दैट दे सीक फॉर हैप्पीनेस। आवर फादर्स आर वर्किंग और डूइंग अ जॉब सो दैट उनके बच्चे खुश रह सकें, जो वो चाहते हैं उनको वो मिल सके। यहाँ हर इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है, एंड आई पर्सनली फील कि भागना भी चाहिए। अगर कोई पैसे नाम की चीज है इस दुनिया में और उस पर कोई रोक नहीं है कि ये इंसान इतना रख सकता है, दूसरा इंसान इतना रख सकता है, तो फिर आप अपने हाथ बंद क्यों किए हो? मेक एज मच मनी एज यू कैन। क्योंकि अगर पैसा होगा तो आप एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेज सकते हैं, जहां मन हो वहां वेकेशन पे जा सकते हैं। रुपयों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, ये वो लोग कहते हैं जिनके पास होते नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग मनी, बट आपके पैसे बनाने से किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, everyone is fighting to keep themselves and their family happy. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि जब हम हैप्पीनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर जब दुख के पल आते हैं तो फिर ये क्वेश्चन क्यों आता है कि मेरे साथ ही क्यों? अरे जब आप हैप्पीनेस को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर उतनी एक्सेप्टेंस के साथ सैड मोमेंट्स को भी एक्सेप्ट कीजिए ना, एंड दे विल नॉट स्टॉप। वो अल्टरनेटिवली आते रहेंगे। आपके हाथ में बस इतना है कि उन मोमेंट्स को आप अपनी लाइफ में कितने टाइम तक रहने देते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ हर चीज पेयर में होती है। अगर आज आप किसी रीजन की वजह से बहुत खुश हैं, तो कल एक ऐसा मोमेंट भी आएगा जो बहुत ज्यादा सैड होगा। आना ही है, कंफर्म। जैसे कहते हैं ना, कुछ सैड ट्रूथ्स होते हैं, आप उन पे बिलीव करो या ना करो, वो होना है, होके रहेगा। एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी सैड ट्रूथ्स। आप एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जाके सोच ही नहीं सकते हो। दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। And it's vice versa is also true. कि अगर आज कुछ दुख के पल हैं, तो विश्वास रखिए कल नया सूरज उदय होगा, जो कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा ही लेके आएगा। In fact, मैं यहाँ एक और थिंग ऐड करना चाहूंगा, in which I truly believe also is that जब भी आपके पास दो ऑप्शंस हों और आप कंफ्यूज हों कि किसको चूज करें किसको नहीं, then always choose middle path. हमेशा बीच का रास्ता चुनिए। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम हमेशा खुशी रहें,
then from my personal experience, I would say, yes, it is possible. कब? जब आप अपने आप को सभी रिश्तों से, सभी material things से, खुद को detach कर लेंगे, तो आप खुश रह सकते हो. But to detach ourselves from everything is usually not possible. So, कहने का मतलब ये है कि अगर आज आपकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स हैं तो उनको सेलिब्रेट कीजिए और कोशिश कीजिए जानने की कि ये मोमेंट लाइफ में कैसे आए, ताकि आप ऐसे ही और मोमेंट्स ला सकें. और अगर कोई सैड मोमेंट है तो उसे भी एक्सेप्ट कीजिए और विश्वास रखिए, ये काली रात भी चली जाएगी और कल एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा होगा. सो इसी के साथ आज के टॉपिक का करते हैं एंड. आप सोचिए आज के टॉपिक के बारे में और ग्रो कीजिए. Because as I always say, you grow when you think. और comment section तो आपके लिए खुला ही है, वहाँ मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं game of balance के बारे में, आपका point of view क्या है इसको लेकर. So this is Ashish signing off. मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही किसी नए topic के साथ. Till then, take care of yourself and your loved ones. See you soon. Bye bye.